नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे से YouTube चैनल विधि टेरिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक लाइफ प्रूफ रिकवरी एजेंट्स की धमकियां सुनाने वाले हैं और साथ ही साथ ये बताने वाले हैं कि कितना इनसिक्योर होता है कि जब आप कभी अपने आधार कार्ड से किसी भी सड़क पे चलते हुए कैनोपी के माध्यम से आप लोन लेते हैं या फिर मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड करके आप लोन लेते हैं, तो वह कितना घातक होता है और वह कितना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक लाइव प्रूफ ऑडियो सुनाने वाला हूँ। ये मामला मेरे पास दिल्ली से आया हुआ है। दिल्ली की एक मेरी सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करके उन्होंने लोन लिया था और महज लोन की रकम 4 से 5 हज़ार रुपए थी, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और उन्होंने उस ऐप से पैसे ले लिए थे, जिसमें कि रिकवरी एजेंट उनके साथ इतनी अभद्रता से बात कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल विधि टेरिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि आपको कानून से संबंधित लेटेस्ट जानकारी इस चैनल के माध्यम से रोज मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों सुनिए कि किस प्रकार से वह लेडी जो हैं, जो दिल्ली के रहने वाली हैं, जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने जब ऐप से लोन लिया तो रिकवरी एजेंट वाले उनको किस तरीके से परेशान कर रहे हैं और वह किस हद तक गुजर सकते हैं, आप इस बात को सुनिए। यह मैसेज उन्होंने मुझे व्हाट्सएप करके भेजा है और मुझसे सहायता मांगी है। तो सबसे पहले हम लोग उस ऑडियो को सुनते हैं कि इसमें किस प्रकार से कन्वर्सेशन हो रही है और किस प्रकार से रिकवरी एजेंट उनको धमकी दे रहे हैं। तो सुनिए। हेलो सर, कौन बोल रहा? कहाँ से बोल रहे सर? मैडम कल आपको कॉल किया था मैं, मैडम लैंडिंग पिन से। सर मैंने आपको बताया था कि मैं अभी हॉस्पिटल से आई, तो मुझे अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैम कल बोले कि हॉस्पिटल में हूँ, घर जाके घर तो ये करके आती थी, तुम नहीं कह रहे ना मैडम। सर एक बात बताइए, हॉस्पिटल में कोई पैसे बंद थोड़ी रहे, अब मैं घर आऊंगी तभी तो बात करूंगी ना। तो अभी तुम पेमेंट नहीं करोगे? सर आप मुझे एक दिन का टाइम दे सकते हैं? नहीं दे सकते, अभी तुम्हारा फोटो पूरा सोशल मीडिया पे डाल के व्हाट्सएप में ग्रुप बना के इमरजेंसी कॉन्टेक्ट को पूरा फोन करते हैं। रुको। ये था रिकवरी एजेंट की तरफ से धमकी उन महिला को जिन्होंने ऐप के माध्यम से लोन लिया था और वह एक दिन का टाइम मांग रही थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वह बीमार थी और इस समय तो आपको पता ही है कि COVID-19 का जो एपिडेमिक चल रहा है उसमें वह हॉस्पिटल में एडमिट थी और उन्होंने केवल एक दिन का समय मांगा। तो उस रिकवरी एजेंट ने कहा कि मैं आपके फ़ोटो को सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर भी वहाँ भी आपको मैं बेइज्जत करने की कोशिश करूँगा। तो इस प्रकार से धमकियाँ मिलती हैं। आगे सुनिए, आगे तो और भी उन्होंने क्या कुछ कहा है उस महिला के साथ, ये सुनिए। इसको देते तो ये जो सर ये चोर है सर, सारे लोग घर पे जाके इसको पुलिस में कंप्लेन देकर करेंगे। चलो सर। तो महिला को चोर बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से रिकवरी एजेंट किसी को परेशान कर सकते हैं, धमकियां दे सकते हैं। तो ऐसे रिकवरी एजेंट्स को मैंने उस महिला से कहा कि आप उनके कॉल को रिकॉर्ड कर लीजिए और उसको ले जा करके अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करिए, और उस महिला ने वैसा किया और उन रिकवरी एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई हुई। तो इस प्रकार से भी यदि कोई रिकवरी एजेंट आपको परेशान करे, फ़ोन करके इस प्रकार की बातें करे, तो आप भी उसके फ़ोन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जा करके उसका कंप्लेन कर सकते हैं।
तो सावधान रहें, और इस प्रकार से जो मोबाइल ऐप हैं उस मोबाइल ऐप से पैसे लेने से बचें, और साथ ही साथ बिना सोचे समझे कहीं पर भी अपना आधार कार्ड दे करके लोन न लें। इससे आपको भविष्य में परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, यह था लाइफ प्रूफ किस प्रकार से रिकवरी एजेंट परेशान कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको सरफेसी एक्ट या फिर लोन संबंधित किसी प्रकार से कोई भी समस्या हो तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल विधि टेरिया को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।